अपने नहीं मानते होंगे, उन्हें भेज दीजिए। देखिए ये कानून के मामले हैं, ये सरकार का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से मुकदमा लड़ता है। उसके बाद में सर तो परेशान करने के लिए अब उनको कोई रास्ता नहीं समझ में आता है, तो बिजली काट रहे हैं सर, पानी काट रहे हैं, जमीनों के बाहर हमारे बंगलों के बाहर आके डिफेंस के बोर्ड लगा रहे हैं। तो जो आपने इसका इस वक्त तो स्टे लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है इसमें, इतनी ज्यादा है हिटलर शाही। क्या शाही है ये तो इतनी ज्यादा हिटलर शाही सर नहीं बोल रहा। मैंने कहा क्या शाही है तो आप जानो, क्योंकि भोसलों का ही राजस्थान है, वहां तो शाही तो होगी। भैया और कोई रास्ता नहीं है, इसका स्टे ले लीजिए कोर्ट से, बाकी फिर काम चलते रहे। बाद में वो ये भी कहते हैं कि आपने स्टे ले लिया। हाँ, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में केस रहने के बाद में इतनी ज्यादा है सर। नहीं नहीं, अब ये तो उनके उनको अवमानना का नोटिस देना होगा ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट में जा रहा हूँ सर। एक चीज थी कि जो कैंट्स में बंगले हैं सर, इनका कहना ये कि हम लोग कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। झांसी कैंटोनमेंट में सर सरकारी बिल्डिंग जो है आर्मी ने उसको कन्वर्ट करके खुद के अपने जवान बैठा रखे हैं, जो वहां बैठ के सब्जी बेचते हैं, दाल बेचते हैं, ये बेचते हैं सर। तो फौज का क्या ये काम है सर कि वो सब्जी बेचे और ये बेचे? वो होंगे ना सरकारी बिल्डिंग्स में नहीं, जो या तो रिट्रेंच्ड होंगे, नॉन सीएसडी नहीं, हवा का भी नहीं है सर, यूनिट कुछ नहीं, यूनिट कुछ नहीं। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया सर, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने हायर अथॉरिटी से सैंक्शन ले रखी है। उन्होंने कहा सर वो सैंक्शन कॉपी दे दीजिए, आज तक कोई कॉपी नहीं दे पाया। सरकारी सरकारी गाड़ी जाती है सर, सरकारी डीजल बेस्ट आवाज आवाज मत। देखो यही है जो उसको कहते हैं वेलफेयर एक्टिविटी, और इसी में हम अभी तो फिर फंस जाएंगे अगर कोई ऑडिट वाला फिर पहुंच जाएगा। इन्हीं सब चीजों का ऑडिट नहीं करवाना चाहते, मुफ्त की सब्जी खाते हैं उनसे। मुफ्त का दूध पीते हैं, मुफ्त का जूता पॉलिश कराते हैं, अदर स्टेट से सामान लाके वहां पे बेचते हैं, कोई टैक्स नहीं पेड करना है, भी कर रहे हैं, अपना फायदा उठा रहे हैं। हम तो जानते हैं ना उसके, हमारी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट है। सदर बाजार की जरूरत ही क्या है? सदर बाजार प्लीज पीछे से शांत होइए सर। सदर बाजार को तब बना था जब वहाँ फौज रहा करती थी किसी उद्देश्य से, तब कुछ जरूरत अब टैक्स चार गुना है। अल्मोड़ा कैंट में जो लोग रखे गए थे वो ज्यादातर कौन थे? या तो धोबी थे या सफैया थे, सब्जी वाला तो अगल बगल भी हो, लेकिन जो बसाए गए थे मुख्य रीति नाई है, धोबी है, और ये आपका सफाई करने वाला है, दूध वाला है, ये बसाए पकड़ी थी, जरूरत थी बनिया भी थोड़ी बसाए, वो तो चीजें खरीदने के लिए या अपना बिजनेस करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड में बनाए गए। लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गईं, लोग उनको बसाते गए, तो वो उनसे भी पूछा जाए भाई ये आ कहाँ से गए इतने लोग तुम्हारे रहते हुए? लाल कुर्ती मेरठ में, फिरोजपुर में लाल कुर्ती, रेड कोट से, रेड कोट अंग्रेज रेड कोट पहनते थे, रेड कोट्स, ये इंडिया में कोट पहन नहीं सकते थे, लाल कुर्ती, कुर्ती मीन्स कमीज, मेरठ के किसी ब्रिगेडियर को ये मालूम ही नहीं कि उसके किस कोने में क्या हो रहा है। 300 बंगलोज और वहाँ नहीं, इतने पुराने मकान है जो जिनकी खिड़कियां नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, जो शायद गिर जाएंगे या गिर गए होंगे आप। हाँ, उनको मालूम ही नहीं क्या क्या होगा, और वो गोल्फ क्लब बनाए हुए थे।
मैंने कहा ये क्या है, और फॉरेनर्स के इसमें ये क्या है, हमने तो वो बाकायदा उसको मेरी रिपोर्ट में सब है ये कि आपने क्या कर रखा है, आप यहाँ स्कूल खोलें अस्पताल खोलें, ये समझ में आती है बात वेलफेयर एक्टिविटी में, ये तो समझ में आती है, गोल्फ क्लब क्या है और उसमें फॉरेनर्स को आप अलाउ कर रहे हैं, ये क्या है सर अभी गोल्फ कोर्स उन्होंने जो नाम बदली कर दिया है, एनवायरमेंटल एंड ट्रेनिंग पार्क बना दिया है, कुछ भी कहे लेकिन वो कैसे बना, खेल तो वही रहेंगे, खेल तो वही चल रहा है, आप जब तक उसमें फॉरेनर को या बाहरी को आने की इजाजत दे रहे हैं बात तो खत्म हो गया, कमर्शियल हो गया। सर मैं आपकी एक बात पे आ रहा हूँ, सर आपने कहा था कि ब्रिटिश का ही हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ पावर बदल गया है, तो मैं उस पर सिर्फ एक छोटा सा एक वन लाइनर बोलना चाहूंगा सर, पहले कंडीशंस बैड थी अब वर्स्ट हो गई सर हमारी ही सरकार के लिए। अब ये देखिए आपने बैड से वर्स किया, अब इसके आगे की क्या कड़ी है ये मैं नहीं सर, हम तो झेल रहे हैं, हमने किया नहीं, हम झेलने वाले, हम वी आर द अफेक्टेड पर्सन्स। ये देखिए ये तो हम ही लोग बनाते हैं, हम लोग जात बिरादरी पे वोट देते हैं, उसके नतीजे होते हैं बात यही है, हमारा सरकारी रिपोर्ट बोलते हैं कि डिफेंस के पास सरप्लस जमीन है बहुत, जब इतना सरप्लस जमीन गिरे पर है पूरा देश भर में, उस जगह को डिफेंस कुछ काम करे, और जो डिफेंस का जो कैंटोनमेंट इलाका में सिविलियंस लोग रहते हैं, या हमारा जैसे रामकृष्ण मिशन का बहुत बड़ा वेलफेयर काम चल रहा है कई सालों से, उसको क्यों बार बार डिस्टर्ब किया जाए, कहां पर हमारा है बैरकपुर इंडिया ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट बैरकपुर, पहले तो आपका एमपी सीपीएम का था, वो शायद मदद नहीं करता, मैं अभी तो दिनेश त्रिवेदी बहुत भला आदमी है उसको, उससे मिलिए मैं भी कह दूंगा, तो हमारा बैरकपुर कैंटोनमेंट एरिया का सबके ओर से मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि हम लोग को थोड़ा आराम से जीने का मौका दे, उसका उसके रास्ता बताइए, कहा था आराम आराम की बात, चैन बोलिए, जो हम लोग थोड़ा शांति से काम करें, चैन से दिए शांति से काम करें, कुछ भी करने जाता सीओ का चिट्ठी आ जाता, कुछ भी करने जाता, ईटा बाउंड्री का दीवार गिर गया उसको लगाने गया, ईटा मंगवाया और गाड़ी भेज दिया, जवान भेज दिया, पूरा ईटा लेके चल गया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसी सभी कैंटोनमेंट का एक प्रॉब्लम है। देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स तो बहुत है, मैंने कहा ये मांग रहे सर, आई एम कुलदीप जंडेल फ्रॉम पुणे कंटोनमेंट, सर इज देयर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन arising whether the cantonment should exist today or not, is there a need for the cantonments to exist? No need. That is number one. So if there is no need for the cantonments to exist, why can't everything be made freehold and that solves all problems? No, for it every doesn't solve all problems, it creates many multifold problems. No, issue what examine kiya ja chuka hai, ye kaha ja sakta hai, wo valid hai ki jitni zameen unko chahiye usse zyada zameenein hain, लेकिन आज आप ये नहीं कह सकते कि जिस टाइप की सिक्योरिटी कंडीशंस हैं या जिस टाइप की चीज़ें वॉर में आगे आने वाली हैं उसके हिसाब से आप उनको सबको डिसमेंटल कर दें, ये आज नहीं कहा जा सकता, मगर उनका फ्लैब उनके अंदर जो मोटापा छाया हुआ है वो कम किया जा सकता है, ये अपने जगह पर सही है, पर टोटली डिसमेंटल करना ये अनुचित होगा। सर खुद ही आर्मी कह रही है जो रिपोर्ट्स में है कि डेडिकेटेड मिलिट्री स्टेशन बनाने चाहिए, वो अलग और सिविल एरिया जो है वो म्युनिसिपैलिटीज में मर्ज करने हैं, ये एक प्रपोजल चल रहा है, देखो आप ये जो प्रपोजल है ये 62 कैंटोनमेंट्स के लिए होगा, उसके अलावा भी तो कैंटोनमेंट्स हैं, मिलिट्री स्टेशन है, तो आपके यहाँ भी अगर ये मिलिट्री स्टेशन बनेंगे तो जमीन तो चाहिएगी ना, तो उनके पास जो एवन लैंड है सर अपने पास रखे ना, अपनी इंस्टीट्यूशंस को उधर और सिक्योर करें, गेटेड कम्युनिटीज बनाएं। मैंने कहा ना आप जब पिटीशन कमेटी को पिटीशन देंगे उसको सारी बातें बताएंगे,
तो ये तो पता लगे कि किस कैंट में कितना सिविलियन आसानी से हो सकता है। आखिर पिटिशन कमेटी का काम यही होगा, मैंने आपको पहले बताया कि आप उनको कहिए कि ये इश्यूज हैं, जब वो जाएंगे देखेंगे तो अपने आप इशू पार्लियामेंट में आ जाएगा। उससे कानून बनाना आसान होता है क्योंकि देन दैट इज द रिपोर्ट जिसको जो सभी सांसद जाके देखते हैं। सर इसका कोई राइटर रक्षा मंत्री को जा सकता है? किसका जो आप सजेशन दे रहे हैं उसका? नहीं नहीं, वो तो रक्षा मंत्री क्या होता है, जैसे ही आप पीआई वो करेंगे पेटिशन कमेटी को, पेटिशन कमेटी विल स्टार्ट मूविंग। वो अगर जैसे ही पेटिशन एक्सेप्ट करेगी कमेटी, हाँ जी हाँ जी, वो तो चार पांच एमपी से राज्यसभा के दिलवा दीजिए। जैसे सर सर बहुत सारी कंटोनमेंट्स में ये हालत है कि उनके पास पैसे नहीं है सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। बड़ी कंटोनमेंट तो छोड़ दीजिए, बट बाकी जो छोटी कंटोनमेंट है, अभी जैसे कोई सजन सुना नहीं, मैंने शुरू में ही कहा कि जब तक पंचायती राज कानून लागू नहीं होगा तब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। वो पैसे जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं वो गैर कानूनी है, उनको पैसे मिलने चाहिए, उसका पालन करवाना, उसी पर तो बात चली, शुरू वहीं से हुई थी। मैंने कहा अगर ऐसे नहीं होगा तो कोर्ट जाना पड़ेगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। भाई आपके यहाँ शहरों में, बड़े शहरों में तो अच्छे वकील भी है सब, पर आर्मी का बजट से जा रहा है कंटोनमेंट्स के लिए पैसा। बोल तो दिया भाई कि गलत हो रहा है, कितने बार बताऊं उसे, आप तो कमाल कर रहे हो। इट्स नॉट ए कंटोनमेंट का वो नहीं हो रहा है ये। अपने माइक बंद कर दें प्लीज, सभी अपने माइक बंद कर दें प्लीज, अपने माइक बंद कर दें। अगर साहब आए प्लीज माइक बंद करें अपना। देखिए हम लोग अब जिस उद्देश्य से यहाँ बैठे थे उसकी पूर्णता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हम अपने माननीय सांसद जी का सम्मान करेंगे, हम सम्मान क्या करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। सिर्फ एक सज्जन जो अभी खड़े थे टुकड़ा जी के पीछे, आप जो कहना चाहते हैं आप कह दीजिए अपनी बात। शिलांग से शिलांग। सर मैं मेघालय शिलांग से हूं। बैठ के माइक में बोलिए, माइक के आराम से बोलिए, माइक लीजिए। हाँ बैठ के बोलिए, मैं देख रहा हूँ। फकेला जी आप ऐसे हो जाइए। हमारे यहाँ जो बिल्डिंग बायलॉज जो है बने हुए है वो 0.52, तो वहाँ के दो लोकल सब गवर्नमेंट है, वन इज म्युनिसिपल द अदर इज कंटोनमेंट। कंटोनमेंट ने उसको सहूलियत मिला है 2 पॉइंट, जिसके तहत वो लोग बना सकते हैं मनसाहा बिल्डिंग। लेकिन कैंटोनमेंट के अंदर में जो 5.5 जो है उसके अंतर्गत हम लोग को कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रही बिल्डिंग बनाने के लिए। और मेघालय एक ट्राइबल स्टेट है जहाँ पर लैंड ट्रांसफर एक लागू है, जिसके अंतर्गत नॉन ट्राइबल सेक्शनल एरिया में जगह खरीदकर नहीं सकता है। तो हम लोग कैंटोनमेंट के अंतर्गत कन्फाइन एरिया में मैक्सिमम नॉन ट्राइबल है, तो वो बाहर ये जगह खरीदने नहीं सकता है। और खाली ये कैंटोनमेंट के अंतर्गत तो आज वहाँ इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़े हुए है कि उन लोग को घर बनाने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो लैंड ट्रांसफर जो है या तो उसको बदला जाए, या तो जो 2 पॉइंट फैसिलिटी जो म्यूनिसिपल मिल रहा है उसी तरह पे ये कंटेनमेंट भी मिलना चाहिए। और दूसरी बात है ये लीज रिन्यूअल का, लीज रिन्यूअल नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए कि वो बोल रहा है कि दैट इज चेंज ऑफ पर्पस एंड द अदर इज अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है, देयर इज अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चेंज ऑफ पर्पस, लेकिन लीज तो रिन्यू कराओ, वो मैटर बाद में देख लेंगे, पहले लीज को रिन्यू करो जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है या आपका जो ये जो है आपका चेंज ऑफ पर्पस वो बाद में देखेंगे, लेकिन लीज पहले रिन्यू करो, उसी पे अटका देते हैं। तो ये है, देखिए ये तो लोकल लेवल्स की भी बहुत सी चीजें हैं, वहां भी लड़नी पड़ेंगी आपको। यहाँ से तो एक जनरल सारे कंटोनमेंट के लिए जनरल प्रिंसिपल्स की बात हो सकती है, इंडिविजुअल कैंट की बात के लिए तो जब वो कमेटी आपके पास आएगी तब आप बताते जाए उसको। ये शिलोंग कंटोनमेंट ये हम लोग को बहुत तकलीफ मिल रही है,
भाई आपको तकलीफ है तो कोई हमें सुख थोड़ी मिलता है, आपको तकलीफ देख के आपकी तकलीफ दूर होनी चाहिए, उसी का रास्ता तो बता रहे हैं। देखिए अब दो चीजें निश्चित हो गई हैं आदरणीय जोशी जी के मार्गदर्शन से। नंबर वन हम पिटीशन फाइल करेंगे। नंबर दो एक चीज और रह गई है जो हम लोग की चल रही है, लीज रेंट की बात चल रही है, वो भी रह गई आती है। लीज रेंट में प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने जिनकी लीज एक्सपायर हो गई 2012 में या उसके पहले कैंट कोड लीज, उस लीज को उन्होंने वो रेट कर दिया जिस रेट पे जमीन खरीदी जाती है, लीज रेंट पर ईयर वो कर दिया जिस रेंट जिस रेट पे हम लोग लैंड खरीदते हैं वो उसको लीज रेंट मान लिया। हमारा सर्किल रेट को उन्होंने लीज रेंट मान लिया। हम मेरा उसमें सजेशन ये है, कहना ये है कि लीज रेंट कैसे हो सकता है वो कहीं पर भूल गए लिखना, वो परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड 2.5% उन्होंने असल में हम सरकार की मंशा ये रही होगी जो रहती है कि कल से लीज रेंट जो है इसका सर्किल रेट का 1% 2% होगा। तो जिन महाभाव ने ये बनाया रूल फ्रेम किया उन्होंने खाली सर्किल रेट लिख दिया, उससे पूरा देश परेशान हो गया। आज एक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है उससे 50 लाख रुपए पर ईयर मांगा जा रहा है सिर्फ लीज रेंट। तो ये 2018 तक मांगा गया, 2013 पहले से मांग लिया गया, मतलब 3 करोड़ पहले दीजिए और 3 करोड़ बाद दीजिए। 7.5 करोड़ नोटिस जारी, 7.5 करोड़ 5 करोड़। तो इसमें हम लोग क्या करें, ये कहीं लिखने में फर्क पड़ गया। अगर ये माननीय रक्षा मंत्री जी के पास बात पहुंच जाए, माननीय रक्षा मंत्री जी के पास तो पहुंच जाएगी बात, अगर कोई आप कोई रेजोल्यूशन बने कोई बात आए तब तो पहुंचेगी, आवाज थोड़ी पहुंचेगी रेजोल्यूशन। दूसरी बात ये कि अगर ऐसे नहीं मानते तो ये तो कोर्ट होती है इसीलिए है कि भाई ये हो रहा है, PIL ये इसी चीजों के लिए बने है ना कि इतने लाख लोगों के लिए ये विपत्ति आ गई है कि अगर जब जमीन खरीदी थी तब उसका दाम ये था, उसका लीज ये था, आज ये हो रहा है। टोटली दिमाग के बाहर की बात है ना, ये जस्टिस थोड़ी है, इज नो जस्टिस इन इट, कोई फेयर प्ले नहीं है ये तो। और यहाँ भी पहुंचेगी तो उनके सामने भी बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं जानता हूँ। ऐसे रास्तों में ये पिटिशन कमेटी कोर्ट यही रास्ते ठीक होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक रास्ता आप बनाइए, रेजोल्यूशन मैंने मीटिंग आपकी जो ये है और कंटोनमेंट सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन ये रजिस्टर्ड बॉडी है दी। बस फिर ठीक है, फिर बनाइए उसका, जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं वो पिटीशन बना के दें और 8-10 MPs को दीजिए जी, सबसे सही करवा दें, वो आगे बढ़ा देंगे, उनसे कहिए इसमें मदद कीजिए और सब आएंगे आपके पास, सबको चुनाव लड़ना। हमारी एक सबसे बड़ी आपसे विनती है सर कि ये सब चीजों पे अगर स्टेटस को आ जाए कि आज एक मिनट सर, आज ये सब चीजों में अगर एक स्टेटस को आ जाए तो हमारे कई अननॉलेजेबल लोग हैं और जिनको नॉलेज नहीं है वो कोर्ट से जाने से या उनका जो बेयर नहीं कर सकते, कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते तो फिर वैसे बेयर करिए, कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ रही है जी जी। नहीं स्टेटस को होगा तो जब तक तो ठीक होगा, स्टेटस को क्यों होगा जी, स्टेटस को तो आप मांग रहे हो जी, हमारी नहीं मिल रहा तो तब तो कोर्ट में जाना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद जोशी जी। सर एक छोटी सा पॉइंट है जी सर, हमने 1908 में एक बंगला खरीदा, 1931 में ब्रिटिशर्स ने उसमें स्कूल ओपन कर दिया लॉर्ड हेंसी हाई स्कूल विच कंटिन्यू टिल 1947 के बाद उसमें स्कूल चालू हो गया, कैंटोनमेंट बोर्ड हाई स्कूल 1953 में उनकी अपनी बिल्डिंग बन गई और उन्होंने उस बिल्डिंग के बीच में ट्रांसफर कर दिया, हमने वहां पे डीआर जैन नेशनल हाई स्कूल विद द कंसेंट ऑफ ऑल द कैंटोनमेंट पीपल हु वर took education in that school for the last about 30-40 years. इन्होंने कहा कि तुमने इसमें change of purpose, जोशी जी ने पहले कह दिया है कि लोकल इश्यू को अपने लोकल लेवल पे करेंगे, अगर कोई कॉमन इश्यू है तो प्लीज रेज करिए। अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, GLR का बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं तो आप सर, GLR में इतना मैनिपुलेशन है, पहले ओनर था,
आपके और साथी नहीं सुनेंगे, माइक ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ब्रिटिश ने, ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बनाने के लिए G01789 1836 लागू किया था, जिसकी लैंग्वेज में आज भी हम नेटिव लिखे हुए हैं। मेरा सिर्फ गुजारिश ये है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, क्या हमारी सरकार उस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करके रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से उसे अगर नेटिफाई कर देती, हमारे सारे मसले हल हो गए। अब डिक्शनरी में नेटिव के माने बदल दिए गए हैं। पहले था नेटिव वॉज ए पर्सन बॉर्न इन ए स्लेव कंट्री, पहले यही मतलब हुआ करता, मैं लड़ चुका हूँ इस मामले में, तो बदल गया, वो नहीं चलता। अब वो कहेंगे नहीं आप नेटिव तो एवरीबॉडी इज नेटिव, जैसे वो कहता है ना कि वो Breathes there the man with soil soul so red, who never to himself hath said, this is my own, my native land, while wandering from a foreign strand. My native land हो गया ना, my native land, वो बाहर से घूम के आया है, आजाद देश का आदमी है, वो कह रहा है कि हाँ मेरे मुल्क में है। ऐसा आदमी थोड़ी हो कि इसको अपना मुल्क नहीं कहूँगा। अब बदल दिया होगा सर, एक ही चीज शब्द बदला, पूरा अगर बदल जाए तो बहुत सारी मसले हैं। जो शब्द वो नहीं, अभी 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 वी विल क्लोज नाउ। धन्यवाद जोशी जी, अभी लंच के लिए ब्रेक करेंगे। कुछ बोले उसके पहले सर, आप आए यहाँ, हमारा इतना जो है प्रोत्साहन किया, हमारे जितने हेल्प करने के लिए आपने इतने अच्छे अच्छे आइडियाज दिए, और उसके पहले हम आपका कुछ छोटा सा सम्मान करना चाहते हैं। ये हमारे बैरकपुर तसर सिल्क का है सर, मुर्शिदाबाद से। सभी बैठ जाइए सर, सभी बैठ जाइए। धन्यवाद, खुशबू भी लगी हुई है, बैरकपुर की खुशबू है, नाम ही उसका बैरकपुर है यार, उसका खुशबू तो बैरक की होगी। क्या बात कही आपने, आपने लंच की कर बोल रहे नीचे ही है ना, इसको प्लास्टिक, हाँ इधर ही।